वेलकम टू यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पेपर फर्स्ट से जो कि आपके मैथ्स से मैथ सामान्य मैथ जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में, तो इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। आपके परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाएंगे, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसी टाइप के होंगे। तो पहला है आपका, प्रश्नों में संबंध स्पष्ट करना है। किट कैट, कैटिक, पेन, टोट। तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका देखिए, सी पहले हो गया, फिर ए हो गया, फिर टी हो गया, फिर आपका क्या हो गया, टी हो गया, आई हो गया, के हो गया। तो यहां से तीन, तीसरे से यहां भी उल्टा करेंगे, टी ओ टी एन ई पी, तो क्या होगा, टोटनेप, टोटनेप हो जाएगा। तो टोटनेप देखिए ऑप्शन में इसमें है नहीं, इसलिए ये इसमें जो इसका आंसर होगा वो हो गया टोटनेट, टोटनेप, टोटनेप होगा। तो टोटनेप इसमें तो दिया नहीं गया है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर देखिए दोस्तों, 9 समानुपाती 26, अनुपात 26 समानुपाती 81। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है। तो आप देखिए, 9 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 26। ठीक है, अब 81 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 8 त्रिक 24 243 माइनस 1 इक्वल टू 242। इसका राइट आंसर होगा आपका 242, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात करें। प्रश्न आकृति इस टाइप से दिया है, देखिए पहले ऐसा है, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, क्वेश्चन मार्क अगला चौथा किस टाइप से होगा, उत्तर आकृति इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ए। कैसे होगा, देखिए जो भी आकृति है, ये आकृति जो है 90 डिग्री घूम रही है और एक एक भुजा इसका बढ़ रहा है। ठीक है, पहले इसे घुमा, 90 डिग्री घुमा तो एक खड़ा हो गया और एक भुजा बढ़ गया, फिर अगला जब 90 डिग्री घुमा तो ऐसे हो गया और एक इसमें भुजा बढ़ गया। ठीक है, अब तीसरा जब होगा तो तीसरा इस टाइप से हो जाएगा, फिर 90 डिग्री जाएगा तो ये घूम जाएगा और दो इसमें आ जाएंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर देखिए, दिए गए प्रश्नों के अनुक्रम पूर्ण करिए, एसी बीडीएफ जीआईके, अगला क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप देख लीजिए, ए सी ई, ए बी गायब है यानी इसमें इसमें दो का प्लस है और सी ई में भी प्लस दो है, ऐसे आपका बी डी एफ, बी डी एफ में दो का डिफरेंस है, प्लस दो है। ठीक है, अगला है आपका जी आई के, जी आई के में दो दो का इसमें भी प्लस है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसमें कौन कौन सा संख्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ आ गया, जी एच नहीं आया, आई आ गया, जे नहीं आया और के आ गया, तो क्या हो जाएगा, एच जे एल, इसका सी राइट आंसर होगा, एच जे एल। अब इसके बीच का के गायब है तो प्लस दो हो गया और इसके बीच के एच आई जे प्लस दो, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न, नेक्स्ट है के एम एम, के एम एल एल, एन एम एम, ओ एन एन, पी ओ क्यू पी, आगे क्या होगा, इस टाइप से इसमें दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हो गया आपका के, फिर आपका एम हो गया, फिर हो गया एल एल, फिर आपका एन हो गया, फिर हो गया एम एम, फिर आपका ओ हो गया, फिर हो गया एन एन, फिर आपका पी हो गया, फिर डबल ओ हो गया और क्यू हो गया, फिर पी हो गया। तो आप देखिए, के एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी आएगा, तो पी डबल आएगा क्योंकि डबल एन है, समय डबल है, तो एक पी हो गया। ठीक है, इसके आगे जो आएगा, इसके बाद एम एन,
के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो क्या आएगा इसमें, पी पी आर आएगा। ठीक है दोस्तों, पी पी आर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इस टाइप से इसको निकालेंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन। 30, 24, 19, 15, 12 अगला क्या आएगा, तो आप देखिए 30 से 24 में कितना डिफरेंस है, 6 का। 24 से 19 में कितना का डिफरेंस है, 5 का। और 15 से फिर आपका 19 में कितना डिफरेंस है, 4 का। और 12 से 15 में 3 का, यानी अगला डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा। तो 2 किसका होगा, 10 से 12 का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सी राइट आंसर है इसका। देख लीजिए 30 से 24 का 6, 24 से 19 का 5, 15 से 19 का 4 और 12 से 15 का 3, 10 से 12 का 2। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक, आपके लाइक से हमें जो है उत्साह मिलता है और वीडियो डालने का मन भी करता है। चलिए अगला देखते हैं, सेवन नंबर। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या, ये आपका दो समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसका है 51, ये है 66, इसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ 102, 123, 146, तो इस टाइप से है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। 51, 66, 51 में कितना प्लस करेंगे तो 66 आएगा दोस्तों। 51 में आप 15 करेंगे प्लस तो 66 आएगा। अब 66 के बाद की सीरीज आपको निकालनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 102 है, 102 में आप देखिए, 102 में आप कितना प्लस करेंगे, 123 हो जाएगा, तो आप 21 करेंगे प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 123 से 146, 146 में कितना प्लस करेंगे, आप 23 कर रहे हैं, मतलब आपका प्लस 2 का आ रहा है डिफरेंस, तो 15 हो गया। यहां आप अगर आप 17 कर देंगे तो 783 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी जो है, ये राइट आंसर है, यहाँ पे होगा 83। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट नंबर क्वेश्चन। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या देखिए 80, 40, 60, यानी 80 भागा 2 अगर कर देना है तो 40 और प्लस 20 कर देना है तो 60 हो जा रहा है, ठीक है। अगला है 60, 30, 50, 60, 30, 50 में भागा 2 कर रहे हैं तो ये प्लस 20 कर दे रहे हैं, भागा 2 अगर 60 में कर रहे हैं तो 30 आ जाएगा और प्लस 20 कर देना है तो 50 हो जाएगा। ऐसे तीसरा का पहला क्वेश्चन मार्क कर दिया है तो 20 यानी 40 का अगर हम भागा 2 करते हैं तो आपका 20 आ जाएगा और प्लस 20 करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका बी, 40, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फातिमा अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए बोली, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। फातिमा मुस्तफा के कैसे संबंधित है, ए है चाची बुआ, बी है बहन, सी है भतीजी, डी है माता। तो इसके समझिए, फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए बोली कि मुस्तफा का भाई, कि उसके भाई के पिताजी, मुस्तफा के भाई के पिताजी मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। दादाजी के भाई के पिताजी, यहां देखो ये हो गए दादाजी और ये हो गए पिताजी, पिता हो गए उसके भाई के पिताजी, ये हो गए भाई, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी, यहां आप लिख दो फातिमा, फातिमा देख लीजिए, और यहां हो गए मुस्तफा, मुस्तफा के बाद ये हो गए भाई, मुस्तफा के भाई के पिताजी इनके दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। तो मुस्तफा से अब इनके दादाजी के पुत्र हो गए तो इनके भी क्या हुए, पिता हो गए, ठीक है। तो जब इनके पिता हो गए, इनका भाई मतलब इनका पिता, और फातिमा क्या हुआ, इसका बहन का संबंध हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आप इसमें देख लीजिए, इसमें सारे शब्द हैं लेकिन ए में वाई है जो कि आपके इसमें नहीं है, तो इसलिए ए वाला आपका शब्द नहीं बनेगा। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न ये तो नहीं आएंगे लेकिन इसी आधार पे प्रश्न इससे संबंधित ही आते हैं, तो आप लोग इस तरीके से सीख लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।